नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जाने माने संगीतकार और सलमान खान के दोस्त वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी पत्नी ने ये आरोप तब लगाए हैं जब देश में लव जिहाद को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इसके कई मामले सामने भी आ रहे हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद कई राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ कड़े कानून लाने का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो इसके खिलाफ एक अध्यादेश भी लाया गया है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से धर्म परिवर्तन को अपराध मानते हुए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं और पुराने मामलों में भी पीड़िताएं अब खुलकर सामने आने लगी। ऐसे ही कमल रुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पीड़ा जाहिर की है। कमल रुख ने लिखा कि उसके सास ससुर ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला था। संगीतकार और गायक वाजिद खान को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। वाजिद खान का निधन 1 जून को हुआ था। अब उनके जाने के करीब 5 महीने बाद उनकी पत्नी ने यह खुलासा किया है और ससुराल वालों के साथ ही वाजिद पर संगीन आरोप लगाए हैं। 27 नवंबर को कमल रुख ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा और इसमें कई शॉकिंग आरोप भी लगाए। इस नोट में कहा गया है कि उनके ससुराल वालों ने ऐसे कई हथकंडे अपनाए ताकि वो इस्लाम को कबूल कर ले। पति वाजिद खान ने तो उन्हें तलाक तक की धमकी दी थी, लेकिन कमल रुख ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि कमल रुख पारसी समुदाय से आती हैं और वाजिद मुस्लिम थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही इस्लाम अपनाने को लेकर साजिद और उसके परिवार वाले कमल रुख पर दबाव बनाने लगे थे। कमल रुख ने बताया कि वो और वाजिद 10 सालों तक रिलेशनशिप में रहे और इसके बाद इस रिश्ते को नाम देने का फैसला लिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि वे पिछले 6 साल से वाजिद से अलग रह रही हैं। 2014 में ही वाजिद खान ने तलाक के लिए अर्जी दायर की थी जो स्वीकार नहीं हुई, इसलिए कमल रुख को अभी तक तलाक भी नहीं मिल पाया है। कमल रुख ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि दोनों के बीच दरार तभी से पैदा होनी शुरू हुई जब वाजिद ने उस पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने लिखा कि मेरा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के प्रति विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, इसके चलते मेरे और पति के बीच दरार भी बढ़ रही थी। हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया था और वो मेरे बच्चे के पिता भी नहीं बन रहे थे। मेरा आत्मसम्मान मुझे उनके आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था और मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मैं पारसी थी और वे मुस्लिम थे। यूं समझ लीजिए कि हम कॉलेज स्वीट हार्ट्स थे। यहां तक कि जब हमने शादी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की। मैं इस पर अपना अनुभव बताना चाहती हूं कि किस तरह से मुझे इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये बेहद शर्मनाक है और सबकी आंखें खोल देने वाला। हालांकि कमल रुख ने यह भी कहा कि बाद में वाजिद को इसके लिए पछतावा भी हुआ और उसने अपने किए पर माफी भी मांगी थी। हालांकि वाजिद के परिवार का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन या बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि कमल रुख के आरोपों पर वाजिद का परिवार क्या सफाई पेश करता है। तो ये रही खबर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।